यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी। दूसरे चरण में गन्ना बेल्ट के मतदाता चुन रहे हैं अपना नेता। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। पोलिंग बूथ पर लगी लोगों की कतार, दिग्गज नेताओं की किस्मत साख पर। उत्तराखंड में मतदान के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाई गंभीर आरोप, बोले पैसा और शराब बांट कर करवाया जा रहा है। पंजाब चुनाव से पहले सीएम चन्नी का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का किया वादा। बंगाल निकाय चुनाव का आया परिणाम, टीएमसी ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। विधाननगर में टीएमसी ने किया क्लीन स्वीप, आसनसोल में भी ममता का डंका। 43 सीटों पर टीएमसी का दबदबा, बीजेपी 3 पर सिमटी। इसरो ने दर्ज की एक और सफलता, श्रीहरिकोट से लॉन्च हुआ था PSLV C-52। इसरो का 2022 का पहला अभियान हुआ शुरू, 2 छोटे उपग्रह भी लेकर गया साथ। पुलवामा हमले की बरसी आज, पीएम मोदी ने किया शहीदों के बलिदान को याद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले परंपरागत शोक से जरूरी है पुनरावृत्ति रोक। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना फास्टैग वाले वाहनों को देना होगा 2 गुना टोल टैक्स। केंद्र सरकार के आदेश के बाद यमुना एक्सप्रेसवे प्रशासन ने लागू किया नियम। मौसम विभाग ने किया अलर्ट, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तापमान। कई राज्यों में हल्की बारिश के आसार। भारत में कोरोना का निकलने लगा दम, बीते 24 घंटों में 34,000 लोग संक्रमित, 346 की मौत, सक्रिय मामले भी 5,00,000 से नीचे।